बिरजू और डिरजू दो दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी बिरजू अपने दोस्त को हाथ से एक इशारा करता है और दोनों जाकर देखते हैं। तब उन्हें एक शैतान दिखाई देता है। तभी वह शैतान भी उनकी मौजूदगी सूंघ लेता है और तभी उनकी तरफ देखता है। बिरजू और डिरजू झट से एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। तभी वह शैतान वहां आता है और डिरजू को पकड़कर मार डालता है। बिरजू उसके डर से दौड़ने लगता है। शैतान बिरजू को ढूंढ रहा था। तब बिरजू पास ही के एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। डर के मारे बिरजू की हालत खराब हो चुकी थी। तभी बिरजू की हवा छूट जाती है और जोर की आवाज आती है। तब शैतान बिरजू के पास आता है, पर बिरजू की छोड़ी गंदी हवा के कारण वह शैतान बेहोश हो जाता है और बिरजू वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है।